नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां बीपीएससी ने 67वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कुल 1800 से अधिक अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को पास किया है। आपको बता दें कि 16 विभागों के 689 रिक्त पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 24 मार्च 2021 को हुई थी, जिसमें 8995 अभ्यर्थी सफल हुए थे। प्रतियोगी परीक्षा की लिखित परीक्षा जुलाई महीने में हुई, जिसमें 7285 उम्मीदवार ने परीक्षा दी। इसी परीक्षा का जो परीक्षा परिणाम है आज जारी कर दिया गया है, और 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के बुधवार को जारी परीक्षा फल में 1828 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। सफल घोषित उम्मीदवारों में अनारक्षित श्रेणी से 755, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 169, अनुसूचित जाति से 299, अनुसूचित जनजाति से 18, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 339 और पिछड़ा वर्ग से 192 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं से 56 उम्मीदवार सफल रहे। सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार संबंधी जो सूचना है जल्द ही बीपीएससी के द्वारा जारी की जाएगी। इसके उपरांत अंतिम चरण में सफल उम्मीदवारों की रिक्त 689 पदों पर नियुक्ति होगी। तो देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है राजधानी पटना से, जहां पर बीपीएससी ने 67वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें कुल 1800 से अधिक अभ्यर्थी अब पास हुए हैं। अब अंतिम चरण में इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद जो 689 रिक्त पद हैं, जो कि 16 विभागों के लिए निकाले गए हैं, उनको भरा जाएगा। तो यानी कि जो बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के जो सफल छात्र हैं, उन्हें अब इंतज़ार करना होगा कि आखिर बीपीएससी कब इंटरव्यू का डेट जारी करती है, और उसके बाद ही अंतिम चरण में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर बीपीएससी के तरफ से किस छात्र को सफलता मिलती है। क्योंकि जो 1800 से अधिक छात्र सफल हुए हैं, उनमें से 689 ही अभ्यर्थियों को बीपीएससी के द्वारा चयन किया जाएगा, क्योंकि 689 पदों के लिए ही बीपीएससी ने नियुक्ति निकाला था। तो इसमें से जो मेंस का परीक्षा है, मेंस की परीक्षा में कुल 1828 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इनमें से जो जनरल कैटेगरी के हैं 755 है, उसमें इसके अलावा ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 169 अभ्यर्थी पास हुए हैं, अनुसूचित जाति से 299, अनुसूचित जनजाति से 18, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 339 और पिछड़ा वर्ग से 192, जबकि पिछड़े वर्ग की महिलाओं में से 56 उम्मीदवार सफल रहे हैं। अब इनका जो अंतिम चरण है, अंतिम चरण में इनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद कौन छात्र बीपीएससी के द्वारा चुने जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। 1800 जो पद है, जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, उनमें से 689 को ही बीपीएससी चुनेगा। अगर आप भी बीपीएससी का रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर रिजल्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि अगर आपको सफलता मिली है या नहीं मिली है। यह जानने के लिए आपको अभी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और इस परीक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।